जितना मैं समझता हूँ 2024 जो है याद किया जाएगा भारत के लिए स्वर्णिम युग। ये स्वर्णिम युग इसलिए है क्योंकि प्रभु राम ने जिस राम राज्य की कल्पना करी वो राम राज्य अब हम देखते। जय हिंद साथियों, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी को सुना जो बता रहे थे कि ये स्वर्णिम युग है और अब यह राम राज आ गया है, यानी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब राम राज आ गया है। लेकिन इस राम राज के दौरान इस स्वर्णिम युग में हमारे सैनिकों अर्धसैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ये राम राज कब आएगा, इनके लिए स्वर्णिम युग कब आएगा, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। लेकिन देश के अंदर स्वर्णिम युग आ रहा है, देश में राम राज जा रहा है। ये जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, ये उससे वंचित क्यों? मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं जो मुद्दा आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी है, गृह मंत्रालय की तरफ से भी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, इन सबको जो झटका लगा है उसका खुलासा जनरल साहब ने कुछ अपने विचार रखे तथ्यों के साथ जब वो सामने निकल के आए, तो सबसे पहले तो मैं जनरल साहब को सत सत नमन करता हूँ कि उन्होंने खुले मन से सारी चीज़ें तथ्यों के साथ सामने रखी। तो क्या है वो तथ्य, क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा, क्यों रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनदेखी की जा रही है, क्यों गृह मंत्रालय की तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लिया जा रहा, ये सारी चीजें देखिए आगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, द प्रिंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एबॉलिश डोमेस्टिक वर्क्स फॉर आर्मी सहायक बट अग्निवीर इराकिन एंड इट, ये हेडिंग दिया गया है द प्रिंट की तरफ से। और इसमें जो विचार रखे हैं हमारे जनरल साहब लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन जी ने अपने कुछ विचार रखे, और सर का मैं आपको पोजीशन बताता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर प्रकाश मेनन रिटायर्ड इज डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन, फॉर्मर मिलिट्री एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, और उनका ट्विटर हैंडल है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सर के अपने विचार हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें रखी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं, आप पढ़ सकते हैं उनके विचार जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा। ऑन 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को 3 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL जो एक दायर की गई थी सहायक सिस्टम को लेकर, जो सेना के अंदर, अर्धसैनिक बलों के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो एक अर्धलीज का काम कराया जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों से घरों में घरेलू काम कराए जाते हैं, जिसको सेवा प्रथा, सहायक सिस्टम, बद्दी सिस्टम, अर्धलीज, न जाने किस किस नामों से जाना जाता है, उसको सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मना कर दिया। दूसरा, इसी के ऊपर 2009 में द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग सहायक एज सेमफुल दैट शुड हैव नो प्लेस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2009 में डिफेंस के अंदर सहायक सिस्टम को एक तरीके से बड़ा शर्मनाकृत बताया और कहा कि इसको तुरंत एबॉलिश कर देना चाहिए, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस तरीके से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था, और उन्होंने कहा कि द कमेटी सेड इट एक्सपेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू स्टॉप द प्रैक्टिस एंड होप द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वुड टेक सिमिलर एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पैरामिलिट्री एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिर्फ MOD ही नहीं, होम मिनिस्ट्री के लिए भी कहा कि वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर और उससे अदर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, और भी डिपार्टमेंट है, उन सब से भी ये बंद हो जाना चाहिए, ऐसा उसने रिकमेंड किया और ऐसी आशा भी की, एक्सपेक्ट भी किया। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने तो केस सुनने से ही मना कर दिया, लेकिन एमओडी की तरफ से जो जो सहायक सिस्टम है उसको डिफेंड किया गया, मना नहीं किया गया, उसने भी एक्शन नहीं लिया। उसने कहा कि हमने कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इस संदर्भ में, किस तरीके से करना है, जवानों की ट्रेनिंग पे कोई असर ना पड़े। लेकिन एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय ने कहा हमने इस संदर्भ में इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने एक तरीके से सहायक सिस्टम को डिफेंड किया, जिसके लिए कमेटी की तरफ से आग्रीमेंट किया गया। और उन्होंने कहा कि इट डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ सहायक इन द आर्मी, यानी कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि आर्मी के अंदर सहायक सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, जबकि एयरफोर्स और नेवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये कमेटी की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया गया और कमेटी की तरफ से कहा गया कि ये जो कॉलोनियल प्रैक्टिस है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। यही सारी चीज़ें हिंदी में भी पब्लिश हुई है, हिंदी के कॉलम में भी पब्लिश हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आप हेडिंग यहाँ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी सहायकों से घरेलू काम कराने की प्रथा को नहीं रोका मगर अग्निवीर इसे बंद करेगा। यानी कि यहाँ हिंदी में ये जो हेडिंग दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका लेकिन अग्निवीर इसे बंद करेगा, अग्निवीर इस प्रथा को बंद करेंगे, ऐसा यहाँ पर हेडिंग करके छापा है लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन जी, जो कि ये उनकी रिपोर्ट है। अब इसके मुताबिक, अब इसके ऊपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट किया गया है जनरल साहब द्वारा, जो कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकारी पदाधिकारियों को अप्रासंगिक और औपनिवेशिक विरासतों से छुटकारा पाने की नसीहत देते रहते हैं। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कॉलोनियल जो सिस्टम है, प्रैक्टिस है, उससे छुटकारा पाने की बार बार बात करते हैं और उनको हमेशा जब भी उनकी मीटिंग होती है, कोई भी बात होती है, और जो बदलाव का उनके टाइम पे दौर आ रहा है, स्मृति चिन्हों को बदलना, बहुत सारी चीज़ें, वो इस चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं, खास तौर से सेनाओं के संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंसों में अपने भाषण में। वे इस बात पर जोर देते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायकों के मामले में संसदीय कमेटी की जगह सरकार के नजरिए का समर्थन कर दिया है, तो इस औपनिवेशिक प्रथा का कानूनी निपटारा हो गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई को नहीं सुना, तो इसका मतलब उनका कहना है कि क्या कानूनी निपटारा हो गया, ये सिस्टम से छुटकारा मिल गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सेना में जारी ऐसी कुछ प्रथाओं को बदलने के पक्ष में संगठन या समाज के अंदर हवा नहीं बह रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं है। ये आज एक बड़ा ही एक गंभीर मसला है और आए दिन इसमें बड़ी ही घटनाएँ घटती रहती हैं और ये बीच बीच में मुद्दा उठता रहता है। जिन प्रथाओं पर नज़र रखने या रोक लगाने की ज़रूरत है, यानी कि ये वो प्रथा है जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको रोकने की भी आवश्यकता है। एकीकरण और अग्निवीर, अगला मुद्दा उन्होंने कहा एकीकरण। जैसे आपको पता है इंटीग्रेटेड कमांड बनी है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बन रहे हैं, उसी तरीके से सहायक वाली सिस्टम में गड़बड़ी का मूल आधार यह है कि इन कर्मचारियों से घरों में काम करवाया जाता है। यह हर स्तर पर कमांड की जिम्मेदारी का मामला है, यानी कि जो कमांड कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी का मसला है। मामला ऊंचे अधिकारियों और कुछ स्थितियों में उनकी पत्नी के लिए घरों में काम करने वाले कर्मचारी की तैनाती को मंजूर करने का भी है। इसमें सुरक्षा और सेवा देने वालों की आधिकारिक प्रतिबद्धता का भी है, लेकिन अगर यह प्रथा वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा पेश की गई निजी मिसाल पर आधारित नहीं होगी तो इसे लागू करने में दिक्कत होगी। और देखिए दोस्तों, जब एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित होंगे, जैसा कि आप जानते हो वो हो रहे हैं, तीनों सेनाओं को एक ही व्यवस्था में शामिल किया जाएगा, या जब वे करीब करीब साथ साथ रहकर एक साथ रहकर काम करेंगी, तब इस मसले की असली परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि सेना के अंदर ये पड़ता है, एयरफोर्स और नेवी के अंदर ये प्रथा नहीं है, तो वहाँ आपस में क्लैश आएंगे। सहायकों की उपलब्धता थल सेना को हासिल लाभों के मामले में दूसरी सेनाओं के मुकाबले ज़्यादा फायदे में रखेगी, तब सवाल खड़े होंगे और तब बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि
यथा स्थिति जारी रखने के पक्ष में जो लोग होंगे वो विरोध करेंगे, यानी जो इस फैसले का ये इस फैसिलिटी का इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको बंद करने का विरोध करेंगे, जबकि दूसरे नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से वो चीज़ें चलें। आगे संसदीय कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि जवानों की भर्ती देश की सेवा के लिए की जाती है, ना कि अफसरों के घरों में उनके परिवार की सेवा में घरेलू काम करने के लिए, जो कि उनकी बेइज्जती है। अग्निवीर सिस्टम में 4 साल की सेवा अवधि भी सहायकों से काम लेने के तरीके में बदलाव की हवा को गति प्रदान करेगी, यानी कि यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर इस सिस्टम में और भी बदलाव होने की संभावना है, ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि अग्निवीर जो 25% रहने 75% को वापस जाना है तो हो सकता है कि वो इस के माध्यम से अपनी स्थिरता लाना चाहे या फिर वो बिल्कुल नकार दें। यहाँ कुछ तो कुछ परिवर्तन होगा। और यहाँ उन्होंने क्या लिखा, सेना में सहायकों का घरेलू कामों में इस्तेमाल करने के दिन अब गिनती के रह गए, यानी कि अब ये सिस्टम चंद दिनों का है, कुछ समय का है, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा आगे। लेकिन यही बात व्यापक राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारों के ढांचे में लागू नहीं है। कुछ स्तरों के अधिकारियों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल की प्रथा बेकाबू फैली हुई है। संसदीय कमेटी ने इस मामले में खास तौर से गृह मंत्रालय और उसके संगठनों का जिक्र किया है, यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का इशारा इस तरफ भी है कि MOD से हटके होम मिनिस्ट्री के अंदर गृह मंत्रालय के अंदर स्थिति और भी बदतर से बदतर है। आगे जनरल साहब क्या लिखते हैं, सरकारी कर्मचारियों से घरेलू काम करवाने पर रोक लगाना सुधारों का बड़ा कदम बनना चाहिए, जिसे तुरंत लागू करने की जरूरत है। आगे बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात कही है, जो कि इस तरीके से कि मानव संसाधन का दुरुपयोग और दिशाहीनता भारतीय सामाजिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दुखती रंग है। इस क्षेत्र में सुधार किए बिना भारत अपने मानव संसाधन की असली क्षमता का उपयोग करने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब इस तरह के कृत्य सरकारी कर्मचारियों से कराए जाएंगे तो किस तरीके से मानव संसाधन का सही इस्तेमाल हो सकता है। जब तक ये दुरुपयोग नहीं रोका जाएगा तब तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि मानव संसाधन की असली क्षमता का उपयोग हो। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, भारत सबसे आबादी वाला देश, यहाँ पर उसकी प्रगति के लिए उन सामाजिक प्रथाओं का निषेध जरूरी होगा जिनसे दूर रहा जाना चाहिए। और यहाँ सबसे निराशाजनक बात यह है कि मोदी सरकार ने क्या कहा किया है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को आजीवन घरेलू कर्मचारियों को रखने की मंजूरी दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जजेस हैं रिटायरमेंट के बाद भी आजीवन सरकारी कर्मचारियों को अपने घरेलू काम में रखने की मंजूरी दी है। ये कदम उस दिशा के विपरीत जाता है जिस दिशा में देश को अपनी आज़ादी के 75वें साल में आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट कहा है और ये कथनी और करनी में बड़ा ही फर्क है। इस तरीके से सरकारी कर्मचारी के इस्तेमाल की गैर जरूरी प्रथा को खत्म करने के लिए नेतृत्व के सभी स्तर पर निजी मिसाल पेश करने की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर उनका कहना है कि जो उच्च पदों पर अधिकारी बैठे हैं, जो उच्च कमांड कर रहे हैं, उनको अपना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उनको एक निजी मिसाल देनी चाहिए, उनको इस प्रथा को अपनी तरफ से खत्म करना चाहिए। मूलतः यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है और ऐसे मामलों में व्यक्ति की अंतरात्मा ही संयम का मुख्य स्रोत बनती है। और सबसे बड़ी बात जो कही लास्ट लाइन में, वो दिल को झकझोर देने वाली है। क्या कहा, अफसोस की बात यह है कि सत्ता से लगाव देश प्रेम पर हावी हो रहा है, यानी कि सत्ता से किस तरह से मुझे सत्ता चाहिए उसके सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन देश प्रेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सत्ता में रहना, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये वोट बैंक की राजनीति है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वर्ग नाराज़ हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो वर्ग नाराज़ हो जाएगा, ये उस तरह का मसला है।
देश हित में फैसले अगर लेने हैं, चाहे वो कैसा भी हो, उसके लिए सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए, कुर्सी को देखकर फैसले ना लिए जाए। देश हित में फैसले तो तभी हो सकते, इसीलिए लिखा अफसोस की बात यह है कि सत्ता से लगाव देश प्रेम पर हावी हो रहा है, सत्ता का लगाव देश हित से ऊपर है, इसलिए इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं। नहीं तो ऐसी कुप्रथाओं का, ऐसे सिस्टम का एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जनरल साहब की कलम से है जिन्होंने लिखा है, ये उनके अपने निजी विचार हैं, उसके आधार पर यह इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है, और मैं अपनी तरफ से सत सत नमन करता हूँ जनरल साहब को। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।